तनाव मुक्त भारत अभियान, इसमें मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। और हर हफ्ते जैसा यह गुरुवार को हम फिर इकट्ठे हुए हैं। ये जो है, हम बोलते हैं कि पास्ट इज पास्ट, जो हो गया वो हो गया, उसको हमने दोहराने का नहीं है, उसका आज कुछ भी ताल्लुकात नहीं है, उसका आज कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम ऐसा बोलते रहते हैं, पास्ट इज पास्ट। मगर ये सबके लिए लागू नहीं है। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो नहीं समझा, और वो पास बीच में आते रहता है। समस्या जो है हमारी जिंदगी में, उसका समाधान हम बाहर ढूंढते रहते हैं। एक वृद्ध स्त्री, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक वृद्ध स्त्री 70 साल की उम्र की थी, आंखों में इतना दिखता भी नहीं था, और ऐसा थोड़ा सा मतलब शाम का समय था, अंधेरा हो गया। गरीब झोपड़ी में रहती थी, कुछ सिलाई का काम करती थी, और कुछ तो भी सी रही थी वो करके, अंदर सीने का काम सुई से कर रही थी। तो वो बाहर, घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट है, वहां वो कुछ तो भी ढूंढ रही थी। तो कुछ लोग ऐसे थे, 3-4 ऐसे लड़के लोग रहते हैं मजा करने वाले, वो कार से जा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और उनके हाथों में बॉटल थी, कोक की बॉटल थी, है ना, इस केस में लिमका था, एक केस में हाथ में बियर थी, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बोले मेरी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा किसने लिखा है? आ रही है ना स्वाति? आ रही है सर, उनका ही प्रॉब्लम होगा। तो वो रुक गए वहां, जा रहे थे तो रुक गए वो, और वहां रुक गए। और वो बुढ़िया को उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रही है? बोले मैं यहाँ सुई ढूंढ रही हूँ। बोले हम आपको मदद करेंगे सुई ढूंढने के लिए। तो बोले ठीक है ढूंढो। वो भी ढूंढ रहे, ये भी ढूंढ रहे सुई, और उनको कोई सुई मिल नहीं रही है वो स्ट्रीट लाइट के नीचे। तो लड़के बोले कि, उसको बुढ़िया को पूछा कि दादी आप ने सुई कहाँ घूम, मतलब कहाँ घूम गई सुई? बोले सुई तो वो अंदर के कमरे में घूम गई थी। बोले फिर आप यहाँ बाहर क्या ढूंढ रही है, बाहर क्यों ढूंढ रही है, तो पागल पन है। जब आपको ये मालूम है कि सुई आपने अंदर घुमा दिया है, तो फिर आप ये तो पागलपन कर रही है, बाहर क्यों ढूंढ रही है रोड के ऊपर सुई, जब आपको ये मालूम है कि सुई अंदर घुमाया आपने। बोले ऐसा है कि शाम का समय था, घर में लाइट नहीं है, मेरे झोपड़ी है, मैं सुई से मेरा कपड़ा सी रही थी तो वो नीचे गिर गई, अब वो अंधेरा हो गया, मेरे घर में लाइट नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर आ गई क्योंकि यहाँ लाइट है। तो लड़के लोग बोले कितने पागल है तुम, पागल जैसी कर रही है। तो बोले मेरे से ज्यादा पागल तो आप है। तो लड़कों को बोली मेरे से ज्यादा पागल आप है। बोले वो कैसा? बोले आप ये मजा कर रहे हैं, तुम में से हाथ में किसी के सोने का कड़ा है, वो फटी हुई जीन्स पहने हैं, तुम्हें मजा आ रहा है उनको फटी हुई जीन्स पहनने के लिए, क्योंकि अभी वो आजकल की फैशन है फटी हुई जीन्स पहनना। और बोले एक के हाथ में कोका कोला, एक के हाथ में थम्सअप है, एक के हाथ में बियर है, तो आप ये क्यों कर रहे? बोले मजा आ रहा है, इसलिए कर रहे हैं, गाड़ी में से जा रहे। बोले मजा क्या है, आप कहाँ ढूंढ रहे? बोले मजा। बोले मजा आप ढूंढ रहे हैं ये कार में, मजा ढूंढ रहे हैं आप ये कोका कोला के बॉटल में, मजा ढूंढ रहे हैं आप बियर के बॉटल में, मजा ढूंढ रहे हैं आप ये पैंट पहनने में। कभी भी बाहर जहाँ मजा आप ढूंढ रहे हैं, वहां कभी किसको मजा आई क्या? बोले हमको समझ में नहीं आ रहा। बोले आप बाहर मजा ढूंढ रहे हैं कि हमको ये करने से आनंद आएगा, वो करने से आनंद आएगा, वो करने से आनंद आएगा, और वो आप कर रहे हैं। एक्चुअली आपका आनंद, आपकी मजा है कहाँ? बोले वो तो अंदर है, वो आपके अंदर है, और आप कहाँ ढूंढ रहे बाहर? आप तो मेरे से ज्यादा पागल है। मैं आपको ये बताना चाहती थी, मैं देख रही थी कि कोई ना कोई आएगा मुझे पूछेगा, और मैं किसी को कुछ धड़ा सिखाऊंगी, कुछ लेसन बताऊंगी, और आप आ गए बोले मेरे हाथ में, और इसलिए मैंने किया, मेरी सुई तो कहीं घूमी नहीं है, मैं तो आपको सिखाने के लिए खड़ी हूँ। हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारे विचारधारा जो भी है वो अंदर है, वो बाहर नहीं है, मगर हम बाहर ढूंढते रहते हैं।
यहाँ मुझे एक याद आ रहा है कि मेरे तरफ एक लड़का आ गया, उसकी उम्र 30 साल की, और वो बहुत दुखी, उसको बहुत नर्वसनेस, खाने पीने की इच्छा नहीं, बोले मैं बहुत नर्वस हूँ, उदास हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, और मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, गिल्ट है, बहुत बड़ा पाप किया मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और मैंने अतीत में मिस्टेक की है और उसका मैं वर्तमान में भुगत रहा हूं। मैंने बोला क्या है, क्या हुआ क्या? बोले अभी ये जो कोरोना आ गया, कोरोना था सेकंड वेव, तो ये सेकंड वेव में मेरे मदर और फादर दोनों भी गुजर गए, और वो गुजर गए उसका कारणीभूत मैं हूं, इसलिए मुझे गिल्ट आ रहा है। मैंने बोला तो कोरोना से गुजर गए और आपको क्यों लग रहा है कि आप कारणीभूत है? बोले वो ऐसा है कि मैं जब बच्चा था, बोले तो बहुत शरारत करता था, जब बच्चा था तो मैं बहुत शरारत करता था, और मेरे पिताजी माताजी मुझे बहुत मारते थे, तो मैं गुस्से से बोलता था कि तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे, ऐसा मैं गुस्से से बोलता था। बोले और वो जो है, बोले बच्चे का जो मैं उनको बोलता था कभी गुस्से में उन्होंने मारा तो दो चार बारी बोला होगा, बोले मैंने, मगर वो जो है वो सच्ची हो गया, मैंने बोला था तुम मर जाओगे और वो मर गए, और वो मर गए उसका कारणीभूत मैं हूं, उनको कोरोना हो गया उसका कारणीभूत मैं हूं, क्योंकि मैंने बोला था कि तुम मर जाओगे और वो मर गए, मैंने गुस्सा किया, मैंने ऐसे बुरे वर्ड्स यूज किए, क्योंकि आपने तो बोला है कि आप बुरे वर्ड्स यूज करते, जो बोलते हैं वो सत्य होता है जो बोलते हैं वो सत्य होता है, मैं बोला वो सत्य हो गया। तो मैंने बोला ये जो है, ये आप बचपन में जो बोला, बचपन में आपने जो बोला उसका असर अभी हो रहा है, या आप बोल रहे हैं, तो ये कैसा क्या, इसका कहाँ ताल्लुक है? बचपन में आपने गुस्से में बोला कि तुम मर जाओगे, ऐसा बच्चा बोल देता है ना, माँ बाप को कुछ बोलता है तो उसमें मतलब वो गुस्से में बोला होगा, उन्होंने गुस्से में मारा इसको, तो उसने बोला कि तुम मर जाओगे उसका, और अभी कोरोना आना और कोरोना उनको होना और कोरोना में मरना, इसका क्या ताल्लुक है? तो वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। दूसरा एक पेशेंट मेरे पास में आया और उसको डर है कि मुझे कोई व्यक्ति मारेंगे, मुझे कोई व्यक्ति मारेंगे, उसको बहुत डरा हुआ रहता है, कोई व्यक्ति मारेंगे, उसको नींद नहीं है, नींद खराब हो गई, बिजनेस में नहीं जा रहा है, और ये अभी अभी मतलब ये अभी की बात है, रिसेंट एक महीना पहले, बोले एक महीना पहले से मेरे को तकलीफ हो रही, बोला ऐसा क्या हो गया एक महीना पहले कि भाई तुमको ऐसा लगने लगा कि लोग मुझे मारेंगे या वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति मारेगा? तो बोला ऐसा हो गया कि एक महीना पहले एक व्यक्ति मुझे दिख गया और तब से मुझे ये ऐसा हो गया। हुआ क्या आपको व्यक्ति दिख गया तो हुआ क्या? तो बोले कि 2016 में हमने एक व्यक्ति को हमारा दुकान किराए से दिया था, और हमने दुकान जो किराए से दिया था उसको हमने खाली करने को बोला, ने खाली किया नहीं, झंझट हो गई, फिर झंझट झंझट में हमने केस किया, मगर वो भी आपको तो मालूम है कोर्ट का क्या हो गया, कोर्ट का क्या होता है, और फिर हमको उसको कुछ पैसे देने पड़े और उसको हमने फिर खाली करवा के लिए। तो मतलब फिर क्या हुआ, 2016 की बातें भी 6 साल हो गए, बोले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने उसको जबरदस्ती खाली करवाया, अब वो मुझे मारेगा है ना, अभी मुझे वो मारेगा। तो मैंने बोला कि भाई इसका क्या संबंध है, 6 साल पहले जो हो गया ना उसके बाद में वो आदमी आपको मिला नहीं, एक महीना पहले वो सिर्फ दिख गया, एक ही गांव में है तो दिख गया, तो इसका क्या संबंध है? तो वो संबंध एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो संबंध क्या है। देखो आप आपका जीवन देखो, आपके लाइफ में कैसा, आप अतीत का जो है वो कैसा संबंध वर्तमान में लाते हैं। मैं तीसरा एग्जांपल आपको देता हूं।
वो तो बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं। तीसरा एग्जांपल जो है वो ये है कि मुझे हार्ट अटैक आएगा और मैं मर जाऊं, ये कहां से आया विचार? नहीं बोले, एक साल पहले मेरा जिगरी दोस्त वो हार्ट अटैक से गुजर गया, उसको कुछ भी नहीं था, और वो तब से मुझे हो गया कि उसको अटैक आ गया और वो मर गया, तो मुझे भी अटैक आ गया, मैं मर जाऊं। तो इसको क्या लॉजिक है, इसको क्या बेस है ये थिंकिंग को? आपने टेस्ट नहीं करवाया क्या? बोले मैंने टेस्ट किया, मैं हर महीने डॉक्टर के पास में जाता हूँ, हर महीने में कार्डियोग्राम ECG 2D को TMT करवा देता हूँ, हर महीने में डॉक्टर को 2-4 हज़ार रुपये देता हूँ कि मेरी टेस्ट करवाओ, हर बार सब टेस्ट नॉर्मल है, और तभी भी मुझे लगता है कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊँ, और मैं कहीं बाहर जाता नहीं, मैं घर में बैठा रहता, मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्या, क्या हो रहा है? सब अतीत में जो भी हो गया है उसका इफेक्ट हम वर्तमान में ला रहे, जो भी हो गया उसका इफेक्ट हम वर्तमान में ला रहे। आपके जीवन में भी ऐसा हो गया होगा कि कुछ ना कुछ अतीत में हो गया है और वो आपको अभी अफेक्ट कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, और वो बीच बीच में आपको वो दिमाग में उतरते रहता है, कीड़ा कांटी करते रहता है दिमाग में, कुछ तो भी चालू रहता है, और आप फिर बोलते हैं कि यारदाश्त मेरी ठीक नहीं है, मुझे याद नहीं रहता है, या मैं थक जाता हूँ, मुझे जल्दी थकान आ जाती है, पता नहीं मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, पता नहीं क्या होता है। तो आपको ये देखना है कि भाई ऐसे कौन से थॉट्स हैं अतीत के कि जो आपको सता रहे और जो आपका अभी वर्तमान बिगाड़ रहा है। आपको ये समझ में आया होगा, इसको कुछ बोलना है, शेयर करना है, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ ताकि मुझे देखना है कि आपको ये समझ में आया क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको क्या दिख रहा है, आपके लाइफ में आपको क्या दिख रहा है, तो कोई शेयर कर पाएगा, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तब तक मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हम ये हर गुरुवार को ये प्रोग्राम लेते हैं, स्ट्रेस फ्री इंडिया तनाव मुक्त भारत अभियान, और उसकी लिंक मैं देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में भी वो देता हूँ मैं, हमारा फेसबुक है, हमारा यूट्यूब है, सब लिंक डालता हूँ मैं, ये वेलनेस थेरेपी करके है, तो इसमें भी आप आ सकते हैं। अभी हम कुछ ही दिनों में पेरेंटिंग के लिए अभी वर्कशॉप चालू करने वाले पेरेंटिंग, तो उसकी भी लिंक मैं दे रहा हूँ आपको, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अलग अलग लिंक मैं डाल रहा हूँ यहाँ चैट बॉक्स में, जो भी आप कोई ना कोई ग्रुप में ज्वाइन होते रहेंगे, तो हर गुरुवार को जो 9:30 को प्रोग्राम होता है, तो ये 9:30 के प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं और अपना जीवन इसमें देख सकते हैं कि भाई आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपका क्यों जूस निकल जाता है शाम को, आपकी क्यों गारंटी वारंटी खत्म हो जाती है शाम को, आपको उतना फ्रेश क्यों नहीं लगता है, आपको बीमारियां क्यों होती है। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, किसको यदि बात करना है तो ये मुझे ऐसी रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक को पकड़ के बात करना है, ये टॉपिक के रिलेटेड बात करना है ना, ताकि मैं आपको बोल सकूँ। यह शैलेश पायघन, एकाधिक बोलने का मौका देता हूँ, यह शैलेश बोलिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमको समय कम है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको जिनके भी हाथ ऊपर है उनको उनके सवालों का जवाब मिलेगा जैसा मैं आगे बढ़ूंगा। देखो क्या है कि दो प्रकार के, मेनली तीन प्रकार के आप बोल सकते हैं, तीन प्रकार के थिंकिंग होते हैं। एक थिंकिंग है इंटेलेक्चुअल थिंग, है ना, इंटेलेक्चुअल थिंग मतलब बुद्धिमान, बुद्धिवादी, बुद्धि से रिलेटेड, ये पहला होता है। और दूसरा होता है मैजिकल थिंकिंग, मैजिक। अब मैजिक का प्रोग्राम करते हैं ना, बोलते हैं कि ये मैजिक होगा, मैजिक होगा, तो ये मैजिकल थिंकिंग है। और मैजिकल थिंकिंग को लोग सचमुच उल्टा लेंगे या अलग तरीके से पकड़ेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। मैजिकल थिंकिंग क्या होता है कि भाई बचपन में, ये पहला एग्जांपल जो है, बचपन में मैंने माँ बाप को ऐसा बोला कि तुम मर जाओगे, मैंने बुरे वर्ड्स यूज किए, वो घटना को कई साल हो गए, और मैंने वो वर्ड्स यूज किए करके उनको कोरोना हुआ। अब ये कहाँ लॉजिक है, इसको कहाँ बोलेंगे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग? बचपन में कुछ शब्द बोले उसका और ये अभी कोरोना हुआ, उसका क्या संबंध है? मगर हम उसका संबंध लगाएंगे, मतलब ये लड़के ने लगाया, उसको बोलते हैं मैजिकल थिंग। कोई संबंध नहीं है, एक थिंकिंग होता है कि कॉज एंड इफेक्ट, कि कुछ तो भी कॉज है कि ठीक है मैंने आपको कुछ बोला और आपने गुस्सा किया, जैसा मैंने स्वाति को कुछ बोला, स्वाति ने गुस्सा किया, तो स्वाति ने गुस्सा किया नेचुरल है, लॉजिकल है। स्वाति को मैंने बोला किशोर पारेड़कर तू चिल्ला, मैंने आपके ऊपर, आपको अच्छा नहीं लगा,
और वो लॉजिकल है, ठीक है, मैंने चिल्ला और आपको अच्छा नहीं लगा, ये लॉजिकल है, या मेरा इंसल्ट कर दिया, लॉजिकल है। तो एक लॉजिकल थिंकिंग है या इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, दूसरा है मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग, अब ये मैजिकल थिंकिंग जो है वो मैजिकल थिंकिंग में कोई कारण नहीं है, मगर आप थिंकिंग कर रहे और उसको सच मान रहे, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई थिंकिंग। मतलब ये कोरोना होना और बचपन में गाली देना, इसका क्या संबंध है? दूसरा जो है, मैंने एग्जांपल दिया कि भाई उसको लगता है कि वो आदमी मुझे मारेगा, अरे वो दिखा भी नहीं 5-6 साल, उसने कभी बोला भी नहीं, उसने कभी धौस नहीं मारा, कुछ नहीं किया, और वो भी मुझे मारेगा, क्या संबंध है? तीसरा कि 1 साल पहले मेरे दोस्त को कोई हार्ट अटैक आ गया, वो अटैक से मर गया, अचानक अटैक आ गया, मुझे भी अटैक आएगा, क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, मगर हम तभी भी उसका संबंध लगाते रहते हैं और हम संबंध लगा के परेशान होते रहते हैं। जैसा हम बचपन में देखो ना, ये मैजिकल थिंकिंग जो है ना, बच्चों में ज्यादा होता है, बच्चों में है ना, बच्चों में ज्यादा होता है। बचपन में देखो, आप याद करो अपना बचपना, तो हम बचपन में ऐसा किया हुआ है कि मैं ना भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा 5 रुपए का, तो मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, है ना। मैं शनिवार के दिन है तो मैं 11 मारुति मंदिर जाऊंगा या 7 मारुति मंदिर जाऊंगा और मारुति का दर्शन लूंगा, तो मंडे से चालू होने वाली जो एग्जाम है उसमें मुझे अच्छे मार्क मिलेंगे। अब मारुति का दर्शन और अच्छे मार्क मिलना, इसका क्या संबंध है? फिर कुछ लोग बोलते मेरे को है ना येलो शर्ट जो है वो बहुत लकी है, और मैं जब येलो शर्ट पहन के एग्जाम को जाता हूँ तो मैं अच्छे मार्क दिलाता हूँ, या ब्लू शर्ट या व्हाइट शर्ट या जो भी कुछ है, कि ये कपड़े है ना मुझे बहुत लकी है, और ये लकी कपड़े है तो मैं जब अच्छा काम करना है तो मैं ये करके जाता हूँ, क्या संबंध है उसका? इसको बोलते हैं मैजिकल थिंग। तीसरा है इमोशनल थिंकिंग, इमोशन, भावना में आके कोई थिंकिंग कर, भावना में आके इमोशनल थिंकिंग। अभी हम बात कर रहे हैं कि मैजिकल थिंकिंग, कि भाई उसने उनको बोला माँ बाप को कि तुम मर जाओगे, उसने बोला, अब ये बोलने से कैसा वो उनको कोरोना हो गया? और वो भी कब बोला? कुछ साल पहले, जब कोरोना मालूम भी नहीं था लोगों को, और अभी उनको कोरोना कैसे क्या हो जाएगा? कोई कारण नहीं है। मेरे सोचने से मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, मैंने बोला था तुम मरोगे इसलिए वो मर गए, ये टोटली मैजिकल थिंकिंग। और ये मैजिकल थिंकिंग जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, और वो मैजिकल थिंकिंग आपको सताते रहता है। आपने अपने आप को लाइफ में देखना है कि ये मैजिकल थिंकिंग आप कहाँ करते हो। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अरे आज शनिवार है और वो काम करूंगा तो ये बिगड़ जाएगा। अब ये सब ये मैजिकल थिंकिंग है, अंधश्रद्धा और मैजिकल थिंकिंग ये पास पास में जाते हैं, इनका शेक हैंड है ना, इनका शेक हैंड है। शनिवार को ये काम नहीं करना, शनिवार को बाल नहीं कटाना, ये फलाना है उस दिन ऐसा नहीं करना, पर क्या लॉजिक है? मगर हम इतने प्रभावित हो जाते हैं, और जब ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट बन जाते, ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट बन जाते हैं। यस, किसको कुछ पूछना है तो पूछो। किसने लिखा है कि मुझे एक आदमी ने 16/7/2000 को एक बात से ले जाओ, ठीक है, किसको पूछना है हाथ ऊपर करो तो मैं उनको बोलने का मौका देता हूँ, ताकि जरा आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। यस, दिनेश ने बात किया, और किसी को बोलना है? यस, शैलेश की भी बात होगी, और किसको, एनी थर्ड पर्सन, और किसको हाथ ऊपर करना है, पूछना है? जुनैद क्वाजी, हाँ इनका ये था चैट, बोलो जुनैद भाई। नमस्कार सर। नमस्ते, बोलिए, आप कहाँ से हो? हाँ सर, सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव। महाराष्ट्र, जलगांव, महाराष्ट्र के। जो लोग YouTube पे हैं, हाँ ना, YouTube पे कितने लोग हैं? YouTube पे जो लोग हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आपको मैं ये भेज रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ, आप Zoom पे आते हैं तो डेफिनेटली आप सवाल जवाब कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। यस जुनैद भाई, बोलो। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव से। सर ये बात 16 जुलाई की, सर मतलब मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ सर। हाँ, तो वहाँ पे सर एक शेतकरी आया और हम सब ऐसे बात करने लगे थे सर कुछ ऐसा मसले पे, तो वो कहने लगा सर मैं मुसलमान हूँ, जैसा क्या आपके समाज में जैसा बोले सेक्स करने की बहुत चस्कर रहता, बोला ऐसा सर, ऐसा कुछ और बात कही थी सर उसने। तो सर ये बात मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई सर, कि 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर मैं, बार बार यही बात आ रही सर, जिसकी वजह से मैं मुझे गिल्ड फील हो रही सर, बस गिल्ड फील हो रही। हाँ
आपको समझ में आया कि ऐसा मैजिकल थिंकिंग आप कर रहे हैं क्या सर? ऐसा मैजिकल थिंकिंग हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कुछ कि आप कुछ भी इसका भी कुछ संबंध लगा लेते हैं? क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, उसने मुझे ऐसा कहा तो नहीं, मैंने जो बोला मैजिकल थिंकिंग, मैजिकल समझ में आ रहा है मैजिकल थिंकिंग, और आप कैसा मैजिकल थिंकिंग कर रहे हैं? किसके कुछ बोलने से कुछ बीमारी होती है क्या? किसको कुछ बोलने से अपने को कुछ होता है क्या? जैसे मैं जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया बुढ़िया का, बाहर देख रहे, बाहर हम बाहर खुशी देख रहे हैं, हमारी बीमारी का कारण हम बाहर देख रहे हैं, हमने ऐसा किया करके ऐसा हो गया देख रहे, हमको तकलीफ हो रही है, हमको अंदर देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ऐसा कुछ किसने बोलने से मुझे बीमारी होंगी क्या? मेरे अंदर जो चालू है थिंकिंग, वो मेरे को तपासना पड़ेगा उसका कनेक्शन। इसलिए मैंने बोला कि थॉट करेक्टिंग थेरेपी है, मैं जो बोल रहा हूँ थॉट करेक्टिंग थेरेपी, थॉट करेक्शन करना पड़ेगा। किसने कुछ बोल दिया तुम मुसलमान हो, तुम ऐसे हो ना, हो गया क्या वैसा? नहीं सर, ऐसा होता नहीं है। मगर हम इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं, मैजिकल थिंकिंग करते हैं। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, अभी मैं पास हो जाऊंगा, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, अब वो मर जाएगा, है ना। कितने सारे लोग ओसीडी के हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उनको कितना मैजिकल थिंकिंग रहता है कि मैंने 3 बार हाथ नहीं धोए तो घर का कोई आदमी मर जाएगा। कितना मैजिकल थिंकिंग है, मैं 5 बार ये दरवाजा नहीं लगाऊंगा, खुलूंगा दरवाजा, लगाना खुलना नहीं करूंगा तो फलाना हो जाएगा, मैजिकल थिंकिंग। मैं 3 बार स्नान नहीं करूंगा तो फलाना हो जाएगा। क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो लोग ऐसे 3-3 बार 5-5 बार ऐसे गिनते हैं और फिर काम करते रहते हैं, फिर बोलते मैं 3 बार अंदर वहां जाऊंगा और बाद में जाऊंगा तो काम होगा, काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। मैजिकल थिंकिंग में क्या संबंध है? जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, बीमारी होना हाथ में नहीं है, किसने कुछ बोला तो उससे कुछ होना हमारे मेरे हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे हाथ में क्या है? नथिंग। कुछ मैं जब थिंकिंग ऐसा करना चालू कर देता हूं, है ना, थिंकिंग जो इलॉजिकल है, तो मुझे कहां देखना पड़ेगा? मुझे अंदर देखना पड़ेगा, चाबी कहां घूमी हुई है, वो जो सुई है वो कहां घूमी है? सुई अंदर घूमी है, घर के अंदर। घर कहां है? यहां है। तो आप आपके घर में मौजूद नहीं हो, आप घर के बाहर हो, तो आपको घर वापस आना पड़ता। यदि आपको दिमाग शांत रखना है, मजे करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपना दिमाग शांत यदि रखना है तो घर वापस आना होगा। और आपका घर कहाँ है? आपका घर यहाँ है, बाहर नहीं है, घर अंदर है, अंदर। तो भाई हमारा घर बिगड़ा हुआ है, ये घर में सब अस्त व्यस्त है, और जहाँ अस्त व्यस्त है वो मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा? थॉट करेक्शन थेरेपी, जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो करनी पड़ेगी, थॉट करेक्शन करने पड़ेगी। लॉजिक देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक मैं लगा सकता हूँ क्या, ठीक है ना। अभिजीत बोलिए, अभिजीत खंडारे। यस हेलो। हाँ यस बोलो सर, मैं स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है। हिंदी 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 में बोलो ताकि सब समझ में। मैं स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट हूँ सर। हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा हेलुसिनेशन होते है कि कोई मेरे बारे में, अगर कार में मेरे घर में रहो तो आजू बाजू से आवाज आने लगती है, और ऐसा लगता है कि वो मेरा कुछ मतलब बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिट में बोल रहे हैं। तो क्या इसे सर मैजिकल थिंकिंग बोल सकते? उसका प्रकार हो गया ना एक, ये एक्चुअली ये तो हेलुसिनेशन है ना, जो है नहीं वो आपको लग रहा है कि ऐसा है, मतलब आप रियलिटी चेक नहीं कर रहे हैं। आप जो भी हो रहा है हेलुसिनेशन, भास आभास, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो मैजिकल थिंकिंग जैसे हो गया ना। तो अगर मैं वहां कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में, जो वहां वैसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये मैजिकल थिंकिंग हो गया, मैजिकल थिंकिंग कि भाई ये ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है। वो तो मैंने वो लड़के को मैं बता रहा हूँ कि भाई ये बताओ कि जीना मर कैंसर, मैंने ऐसा किया तो उसको कैंसर हो गया। अभी एक मेरे पास में आया, और एक ये कोरोना के बाद में है ना, जो मर गए उनके रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग आ गया। जो लोगों के यहाँ कोरोना से डेथ हो गई ना, उनके रिलेटिव्स मेरे पास में आ गए
और वो बहुत गिल्ट में जी रहे कुछ कुछ लोग कि मैंने मेरे माँ बाप की केयर नहीं किया, मैंने मेरे माँ बाप को एंड टाइम पे बराबर डॉक्टर की तरफ नहीं लेके गए, वो उन्होंने जिद किया कि कुछ नहीं होता घर में बैठता और मैंने उनको घर में बैठना अलाउ किया। हम बहुत लेट पहुंचे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बोला बहुत देरी कर दिया आपने और वो मर गए। तो ऐसा गिल्ट बहुत लोगों को हो गया। कुछ लोगों को गिल्ट ऐसा हो गया कि भाई मैं बॉम्बे उनको ले जाता था मुंबई तो इलाज अच्छा होता था मुंबई, तो मैं छोटे गाँव में हूँ बड़े गाँव ले जाता था तो बच जाता था। किसकी वाइफ गुजर गई तो वो गिल्ट में है, किसका बेटा गुजर गया तो वो गिल्ट में है, और लोग अतीत के जो गिल्ट है उसमें जी रहे कि मैंने गलती किया। अरे भाई तूने गलती किया तो वो मर गया, ऐसा कैसा है? जीना मरना आपके हाथ में नहीं है, किसको मारना आपके हाथ में, किसको जीना आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जिसका टाइम आ गया वो टाइम पे जाएगा, उसको कोरोना हुआ तो कोरोना में सब लोग तो मरे नहीं, कोरोना में बहुत कम लोग मरे वैसा देखा जाए, और जो लोग मरे उनका ऑलरेडी मर गए उनका ऑलरेडी रेजिस्टेंस कम था, प्रतिकार शक्ति जो थी प्रतिरोधक शक्ति जिनकी कम थी, जिनको डायबिटीज था, जिनको हाइपरटेंशन था, जिनको वीकनेस था, जिनको अलग अलग बीमारियां थी और उनको कोरोना हो गया मर गया, आपका क्या उसमें कसूर है? वो पहले से वीक थे, पहले से कुछ तो भी मतलब, तो ऐसे बहुत लोग आ गए कि जो पास में जी रहे। तो ये जो है ये हमको करेक्शन करना पड़ेगा है ना। यस दिनेश आपका फिर से ऊपर है, फिर से आपको बता रहा हूँ। दिनेश बोलो। दिनेश हाँ बीच में सॉरी सर मिस हो कर गया था। सर जैसे आपने सर वो सर ये आप एग्जांपल बता रहे थे जो जैसे हमारा टॉपिक है सर पास्ट पेनफुल मेमोरी, तो सर ये जो अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है जो भी हम क्या बोलते हैं मतलब ये जो आप जिसको मैजिकल थिंकिंग बोल रहे हैं, तो सर ये पास्ट पेनफुल मेमोरी की वजह से होता है। हम उसको और सर फिर आप बोलते हो कि हम उसको पेनफुल बनाते हैं। ये दुनिया में कुछ पेनफुल नहीं है, पेनफुल हम उसको बनाते हैं हमारे थिंकिंग से कि वो पेनफुल है। पेनफुल क्या होता है? कुछ नहीं होता पेनफुल, हम बोलते हैं पेनफुल है। हाँ सर, तो सर जब आप सर आप ये कह रहे हैं कि थॉट करेक्टिंग थेरेपी सर जैसे जैसे सर अगर किसी 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 सिचुएशन में जैसे सर शेर को देख के डर लगा तो सर ये जो फीलिंग हुई डर की सर इसको हम थॉट बोलेंगे या फीलिंग जो ये जो फीलिंग क्रिएट हुई ये थॉट की वजह से क्रिएट हुई है फीलिंग या फीलिंग और थॉट ये इन दोनों को मिला के ही थॉट बोला जाएगा? अपने लाइफ की बात करो, शेर कितने बार आप देखते हो, कितने बार डर लगता है अपने लाइफ में देखो। हाँ सर, ये तो है। डर लग रहा है ना, डर अपने लाइफ में देखो कहाँ डर लगता है, कहाँ जो डर लग रहा है वो फालतू डर है। मैं कैसे डर में जी रहा हूँ, वो हो जाएगा ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं क्या वो? हाँ देखो तो, ना तो सर कितने बार शेर सामने आया? कोई भी नहीं आता सर। नहीं फिर छोड़ दो ना उसको। नहीं नहीं आप ये देखो। हाँ सर, मैं रियल लाइफ एग्जांपल ही लेके चलता हूँ। जैसे सर किसी ने कोई कुछ बोल दिया नेगेटिवली, कोई किसी को नहीं तो सर आपको किसने नेगेटिव बोला हो? देखो किसी की क्यों बात करें? हाँ सर, आई मीन सर मेरे को किसी ने नेगेटिव बोल दिया और सर मेरे को सर क्या बोलते हैं, हार्ड फील हुआ, लो फील हुआ, इन्फीरियर फील। हेलो, नेगेटिव बोला मतलब क्या बोला, शब्द बताओ मेरे को। नेगेटिव बोला मतलब क्या हो गया, मतलब बोला क्या एक्चुअली? एक्चुअली सर ये बोल दिया कि यू आर नथिंग। हाँ मतलब क्या यू आर नथिंग, मतलब ऐसा इंग्लिश में बोला उसने? नहीं हिंदी में बोला। क्या बोला हिंदी में? कि मतलब सर उसकी सर बॉडी लैंग्वेज से सर वो तो पता चल जाता है सामने वाला। आपने उसने बोला क्या सर? उसने बोला कि ये बोलते तुम पागल हो। यस सर, उसने बोला तुम पागल हो, तो फिर क्या? यस। और वो एक लड़की आपको बोलती दिनेश तुम पागल हो, बोले वाह क्या बोल रही है? जी सर। तो सर मेरा क्वेश्चन पागल है,
सुनो सर, ये तुम पागल है इसमें कुछ है क्या? एक लड़की ने बोला कि तुम पागल हो क्या, तो आपको अच्छा लगेगा, ये तो मेरे ऊपर प्यार से बात करी है। दोस्त ने बोला तुम पागल, शब्द वही है, आपको बहुत बुरा लग गया। तो शब्द में कुछ है? नो सर। सेंटेंस में कुछ है? सेंटेंस में तो कुछ भी नहीं है। फिर कहाँ पे है सर? सब चाबी कहाँ घूमी है? चाबी कहाँ घूमी है? अंदर जी। एक लड़का बोलता है तुम पागल हो, तुमको बुरा लगता है। लड़की बोलती है तुम पागल हो क्या, तुमको लगता है कि वाह प्यार से बोल रही। तो सर, तो सर, तो सर ये जो सर जब आप बोलते हैं कि थॉट करेक्टिंग थेरेपी, थॉट क्रिएट योर फीलिंग्स, तो सर ये जो फीलिंग्स हैं और सर ये जो थॉट है, तो जो हमारी फीलिंग्स हैं और जो थॉट है, ये दोनों सर सेपरेट है ना? सेपरेट हुआ ना? नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी थॉट है, जो भी उसने बोला तुम पागल हो, यस सर, तो तुम क्या अर्थ लगाते हो उसके ऊपर आपका बुरा लगना और अच्छा लगना है। ना कि सर उस वर्ड के ऊपर। वो वर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं है, वर्ड के ऊपर रहता तो दोनों ने सेम बोला। यस सर। आपको अंदर क्या लगा उसके ऊपर है। आपने एक का अर्थ निकाल लिया कि ये मेरे को इंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको बुरा लग गया। लड़की ने बोला, आपके गर्लफ्रेंड ने बोला, तो बोले यार मेरे ऊपर बहुत प्यार करती, प्यार से बोल रही। यस सर। तो फिर क्या अंदर क्या चालू है तुम्हारे थॉट्स उसके ऊपर है, बाहर तो कुछ भी नहीं है, बाहर तो सेंटेंस सेम है। जी सर। तो हम देखेंगे अभी कि फिर इसको करना क्या है ना, हम वो देखेंगे कि करना क्या भाई, ठीक है ना। यस किशोर जी बोलिए। किशोर जी हमारे मित्र है, तुमको तो बोलने का मौका देना ही चाहिए ना। थैंक यू सर। बोलो। तो मुझे पूछना था कि मैजिकल थिंकिंग में हम अनरियल फियर क्रिएट करते हैं क्या? अनरियल फियर, अनरियल थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग क्रिएट करते हैं। हाँ। इसलिए वो प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे दिमाग में क्या चालू है उसके ऊपर है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, तुम पागल हो, तुम पागल हो, सेंटेंस है। मैं अंदर क्या चालू है उसके ऊपर है। चाबी कहाँ घूमी है, सुई कहाँ घूमी हुई है अंदर। भाई मैंने क्या अर्थ लगाया जो हो रहा है उसको, मैजिकल थिंकिंग में मैंने उसको क्या अर्थ लगाया, और फिर जो अर्थ लगा रहा हूं मैं, क्या वो सही अर्थ है कि गलत है? 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाने से भगवान को, 5 रुपए का मैंने प्रसाद चढ़ाया तो मैं पास हो जाऊंगा, इसको क्या लॉजिक है? मैंने खुद को सवाल करना चाहिए ना, इसको क्या लॉजिक है कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान को, मैं उपवास करूंगा शनिवार का तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा, क्या लॉजिक है? कुछ भी लॉजिक नहीं है। क्लियर रहा सबको? है ना, कुछ लॉजिक ही नहीं है। तो फिर यस दीपा सिंह बोलिए। बहुत दिन के बाद में दीपा सिंह दिख रहे हैं, मुझे दिख नहीं रही है, हाथ ऊपर दिख रहा है। वीडियो चालू करो दीपा जी। दीपा सिंह वही है कि और कोई है? वही है। यस दीपा जी बोलिए। बोलिए, आवाज नहीं आ रहा आपका आवाज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। अभी आवाज आ रही है सर? यस आ रही है आवाज। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कोई नेगेटिव थॉट है या फिर कोई नेगेटिव वर्ड है सर, अगर कुछ वो माइंड में आया और वो बार बार रिपीटेड चलता ही जा रहा है, बार बार वही चीज ट्रिगर हो रही है दिमाग में, तो उसको कैसे निकाले सर? कुछ हुआ नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कोई नेगेटिव ऐसा कुछ आ गया और वो बार बार फिर चलने लगता है दिमाग में, वो जल्दी निकलता ही नहीं। तो उसके लिए कैसे क्या करें सर? वही तो ना कि ये जो है उसको प्रेजेंट होना जरूरी है ना, उसको प्रेजेंट होना जरूरी है। और जो आप रेजिस्ट करते हैं उसको मैं अभी एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, है ना। अब क्या आवाज हो रही है, मैं आपको म्यूट किया। देखो एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति एक महाराज के पास में गया और वो बहुत ही, हम बोलते ना बहुत पहुंचा हुआ महाराज है, बहुत ही पहुंचा हुआ महाराज, साधु या संत जो भी है वो। और ये व्यक्ति बोला उसको कि भाई मुझे है ना, आप कुछ तो भी, मैं आपका चेला हूँ, चेला बनना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ तो भी गुरु मंत्र दो। बोले मेरे पास में कोई गुरु मंत्र नहीं है, मैं कोई किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं कुछ गुरु मंत्र दे नहीं सकता, कुछ भी नहीं, मैं सादा आदमी हूँ, सादा इंसान, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बोले आप इतने महान हो, आपकी बहुत कीर्ति मैंने सुनी हुई है, आपका बहुत नाम सुना है, तो आपके मैं तो चरण में बस आ गया हूँ, लीन हो गया हूँ, आप मुझे कुछ गुरु मंत्र दो।
बोले मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या, मैं तो जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। तो बैठे रहा दो चार घंटे। अब ये जो गुरु थे महाराज, तो अभी इसको कटाओ, अभी कुछ ना कुछ करके इसको भगाओ यहाँ से। बोले ठीक है, मैं अभी आपको एक कागज लाओ, पेन लाओ, उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ और वो जाके आपने फिर पढ़ना है 5 बार। और वो कुछ तभी कागज के ऊपर वो लिख देता है मंत्र। बोले ये लेके जाओ और जाओ, बोले पढ़ो, आपका भला हो जाएगा। वो बहुत खुश हो जाता है, बोले चलो 3-4 घंटे बैठा मैं इधर तो ये फल फूल हो गया भाई, मतलब मुझे फल मिल गया उसका। और वो कुछ बोलने के पहले बस तुरंत उठता है, भागना चालू कर, उसको धन, वो थैंक यू भी नहीं बोलता वो गुरु को। तो वो जो गुरु है उसको बोलता है, अबे ठहर, कहाँ जा रहा तू? बोले वो रुक गया था। बोले क्या हो गया? बोले तुमने मेरे को धन्यवाद भी नहीं बोला, मैंने आपको गुरु मंत्र दिया लिख के। तो बोले मैंने जो आपको लिख के दिया है, हाँ बोले मैंने धन्यवाद दिया नहीं। बोले आपने धन्यवाद भी दिया नहीं और मैं एक बात और आपको बोलना भूल गया, तो इसलिए मैंने आपको वापस बुलाया। वो गुरु बोलता है कि मैंने एक बात बोलना भूल गया, बोले गुरु मंत्र के साथ में। तो वो बोले आपने मैं आपको बताता हूँ इसलिए आपको रुका दिया। बोले क्या बात बोलना भूल गए? बोले आपने क्या करना है कि चिट्ठी अभी खोलने का नहीं है, चिट्ठी घर जाएंगे तो खोलना है और वहां का मंत्र 5 बार पठन करना है और आपको मुक्ति मिल जाएगी। बोले बहुत अच्छा, बोले मगर ये जब आप पढ़ेंगे बोले तो आपके दिमाग में बंदर का चित्र नहीं आना चाहिए। बोले ये क्या है? बोले ये उसमें शर्त है कि आपके दिमाग में बंदर का चित्र नहीं आना चाहिए जब ये पढ़ेंगे। ठीक है, बोले अब जैसा वो बाहर निकला उसके दिमाग में बंदर ही बंदर आ रहा, उसके दिमाग में बंदर आया कि साला ये क्या गुरु मंत्र दिया और अभी बंदर नहीं आना चाहिए, उसके दिमाग में बंदर आने लगा। वो जितना सोच रहा बंदर नहीं आना चाहिए, दिमाग में बंदर आ रहा, दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए तो और वो घर में गया, एक बंदर नहीं 10 बंदर आना चालू हो गए। बंदर इधर से उधर दौड़ रहे, उधर से उधर दौड़ रहे, बंदर बंदर बंदर, बोले पागल जैसा हो गया। बोले बंदर नहीं आना चाहिए, बोले बंदर ही आना चालू। बोले कहाँ से गुरु मंत्र उसको मांगा, बोले मैंने जो नहीं था वो चालू हो। क्या होता है कि जो आप रेजिस्ट करते हो वो परसिस्ट होता है ना, कि भाई ये विचार नहीं आना चाहिए तो विचार आएगा, विचार नहीं आना चाहिए तो विचार आएगा। तो जब ऐसे विचार आपको बहुत तकलीफ देते हैं तो आपने बोला ठीक है आने दो, आने दो। जितना विरोध आप करेंगे विचारों को उतना विचार वो ज्यादा पक्का पक्का होता जाता है। तो जो भी मेरे पास में OCD के पेशेंट आते हैं उनको बोलता हूँ आने दो, जो विचारों के साथ में दोस्ती करो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे प्रभावित होना मत होना और उसको निकालना है। ये विचार नहीं आना चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए, जितना सोचेंगे वो। देखो आप एक आधा गाना आप सुनते हो बस बार बार वही गाना आएगा, वही गाना आएगा, वही गाना चलो रहेगा दिमाग में पीछे, है ना। बोले नहीं आना चाहिए फिर और गाना आएगा। पिक्चर देख के आएंगे, एक आधा पिक्चर देखा तो वही बार बार पिक्चर के डायलॉग आएंगे या कुछ भी गाना आएगा, वही सीन आएंगे। जब तक आप उसका रेजिस्ट कर देंगे नहीं आना चाहिए और आएंगा, फिर थॉट्स को रेजिस्ट नहीं करना, ठीक है ना दीपा? समझ में आ गया ना? हाँ जी, अनम्यूट कर रहा हूँ। यस अनम्यूट करो। अनम्यूट सर, जैसे अगर वो चीज बार बार आ रही है और हम उसको आने दे रहे हैं तो फिर ये भी तो है ना सर कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो वो मैनिफेस्ट होना चालू हो जाएगा, तो ये भी तो है। तो उसका विरोध नहीं करना है और अपना लक्ष्य जो है कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन और कहीं लगा लेना, अपना अटेंशन वहां नहीं लगाना कि उसको निकाले कैसे, उसको निकालने का नहीं, अपना लक्ष्य अटेंशन और कोई लगा देने का है और कहीं, और वहां अपने को बिजी करना है। वो आ रहा है तो और अपन कहीं बिजी हो जाए तो हो जाता है। जैसा भी कोई दुख भरी घटना हो गई तो हम क्या बोलते हैं, जा जरा बाहर जाके आ जा, जरा घूम के आ जाओ, मिल के आ जाओ किसी को, तो आप जरा भूल जाओगे। नहीं तो वहीं बैठेंगे तो वही 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 विचारना शुरू हो जाए, तो और कहीं अपना लक्ष्य कॉन्सेंट्रेशन देने का है। ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या है इसमें, है थॉट करेक्शन थेरेपी। तो थॉट करेक्शन थेरेपी क्या है? थॉट करेक्शन थेरेपी यह है कि ये जो गलत कनेक्शन हमने लगाया हुआ है कि मैंने बचपन में पिताजी को बोला कि तुम मर जाएंगे, बचपन में बोला और उनको कोरोना हुआ, ये कनेक्शन ही गलत है, ये मैं गलत कनेक्शन लगा रहा हूं, ये मैजिकल थिंकिंग है। तो अपने आप को क्या करना है, अपने आप को शांत बैठना है, रिलैक्स करना है और देखना है, अपने विचारों को देखना है कि भाई मैं कैसा ये गलत कनेक्शन लगा रहा हूं कि मैंने बचपन में मेरे पिताजी को बोला कि
कि तुम मर जाओगे बचपन में और आज 25 साल बाद उनको कोरोना हुआ और वो मर गए, ये मेरी वजह से हो गए, ये गलत कनेक्शन है, ये मुझे तोड़ना है, जीना या मरना ये हमारे सोच पर निर्भर नहीं है, मेरी सोच पर निर्भर नहीं है, ये मेरा मैजिकल थिंकिंग। तो अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है, अपने विचारों को देखना है और वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने विचारों को देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने सोच को देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने थॉट्स कैसे क्रिएट करना है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको डिस्प्यूट करना पड़ेगा, डिस्प्यूट करना मतलब उसे झंझट करना है, झगड़ा करना है, किसके साथ में, अपने थॉट्स के साथ, अपन ने अपने थॉट्स के साथ में झगड़ा करना है कि भाई ये कैसा है कि भाई 6 साल पहले उसको हमने दुकान छोड़ने लगाई, वो 6 साल पहले उसने दुकान छोड़ दिया, आज मेरे पीछे कैसा क्या आने वाला है, आज मेरा बुरा क्या करने वाला है, जब वो 6 साल दिखा भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, ना धौस मारा ना कुछ किया। तो ये मेरी मैजिकल थिंकिंग है, ये कनेक्शन जो मैंने लगाया हुआ है ये तोड़ना पड़ेगा। मेरा दोस्त 1 साल पहले हार्ट अटैक से गुजर गया और इसलिए मुझे हार्ट अटैक आएगा, ये कनेक्शन मेरा गलत है, ये मुझे तोड़ना है। तो मेरे सोच पर मुझे क्वेश्चन मार्क डालना है, मेरे सोच के ऊपर मुझे डिस्प्यूट करना है, तोड़ना है, डिबेट करना है, मेरे सोच के ऊपर मैंने डिबेट करना है और वो है थॉट करेक्शन थेरेपी। इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करके बोलते हैं सीबीटी में भी ये होता है। मैं जो हिप्नोटिज्म करता हूँ, हिप्नोथेरेपी करता हूँ, तो हिप्नोथेरेपी में भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि हिप्नोथेरेपी में आपने अपने आप को सवाल करना है, हम उसको बोलते हैं हिप्नो एनालिसिस, मतलब सेल्फ हिप्नोसिस करना और सेल्फ हिप्नोटाइज करके, खुद को हिप्नोटाइज करके उसमें एनालाइज करना, खुद को अपने विचारों को एनालाइज करना कि ये जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये सोच सही है, ये सोच गलत है, ये मैंने कनेक्शन लगाया है ये सही कनेक्शन है कि गलत कनेक्शन है, और ये गलत कनेक्शन है तो फिर सही कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन को जो मैंने लगाया हुआ है गलत कनेक्शन, उसको क्वेश्चन करना है, उसको ठिकाने पे लाना। तो ये आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आपके थॉट्स करेक्ट होंगे। आगे जाने के पहले मैं अभी कुछ सवाल जवाब लूंगा, उसके पहले मुझे बताना है कि हम हर गुरुवार को ये स्ट्रेस इंडिया, स्ट्रेस फ्री इंडिया में ये प्रोग्राम लेते हैं और इसमें आप सभी आमंत्रित है, सब लोग आते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें लोगों को जोड़ो, हमारा ये मकसद है कि आप सब लोगों के मदद से, सहायता से हमारे देश के 135 करोड़ लोगों को हम इम्पैक्ट करेंगे और उनको तनाव रहित जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वो तनाव रहित यदि जीते हैं जीवन तो वो अच्छी प्रोडक्टिविटी लाएंगे, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेंगी, उनको मानसिक बीमारियां नहीं होंगी, मानसिक बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, ये ज़्यादा सोचना चालू किया और मैजिकल थिंकिंग चालू किया तो उसमें फिर ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस है। हमारा परवरिश का भी प्रोग्राम है, परवरिश का एक ग्रुप है जिसमें हम बच्चों की परवरिश कैसे करना माँ बाप ने, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, अलग अलग उसके भी प्रोग्राम लेने वाले हैं, तो उसकी भी लिंक मैंने दी व्हाट्सएप में, वो भी आप ज्वाइन कर दीजिएगा। और कोई सवाल है तो मैं लिंक दूंगा और ये यूट्यूब पे भी डालूंगा मैं, यस यूट्यूब पे भी डालूंगा, ये अभी यूट्यूब में लाइव चालू है, मगर अभी हम क्या करेंगे कि आज के प्रोग्राम को काट कूट करके फिर एकदम एक सही क्लियर बना के फिर डालेंगे, अपलोड करेंगे। यस अमित गुप्ता, आपका क्या सवाल है? अमित बोलो, अनम्यूट करो, बोलो। अमित गुप्ता नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है अमित। यस और कोई नया कुछ जिनके, जिन्होंने भी हाथ ऊपर नहीं किए, जिनको हाथ ऊपर करने के लिए आलस आ रहा है, हाथ ऊपर करने के लिए बहुत कठिन लग रहा है, तो हाथ वैसा भी हाथ ऊपर बता सकते हैं तो मैं उनको अनम्यूट कर लूंगा, है ना। वैसे वीडियो बहुत कम लोगों के चालू है। यस और कोई, क्या समझ में आ गया, क्या नहीं समझ में आया, क्या दिख रहा है आपको, कुछ नया ओपन अप हुआ? यस दिनेश बोलो, दिनेश बोलिए।
सर मेरे को सर ये था, जैसे सर आपने अभी लास्ट टाइम बताया कि कोई भी चीज पेनफुल नहीं होती, तो सर अब एग्जांपल के तौर पे जैसे सर अगर किसी को किसी कोई बिजनेस किया सर, उसमें सर 50 लाख का नुकसान हो गया सर, या दूसरा सर एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सर ग्रुप ऑफ पीपल है वहां पे सर अगर सपोज कीजिए कोई आपके मतलब कि जैसे किसी के फादर की इंसल्ट कर रहा है, तो सर वहां पे सर वो हर्ट फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, तो सर ये कैसे आप बोल सकते हैं कि कोई भी चीज पेनफुल नहीं होती? जब मेरा 50 लाख का नुकसान हुआ बिजनेस में, तो ये तो सर नेचुरल हुआ ना, क्या बोलते हैं कि मैं पेन मैं पेन फील कर रहा हूँ, और या कोई मेरे फादर की इंसल्ट कर रहा है, तो सर वहां पे तो सर और आप देखो ना कि और, आपके देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे इमेजिनरी लेना एग्जांपल, इसके बदले हाँ? आप आपके लाइफ का एग्जांपल लो कि 50 लाख का आपका नुकसान हुआ है क्या, तो वो बोलो ना, तो फिर मजा आएंगे बात करने के लिए। नहीं तो क्या है कि इमेजिनरी एग्जांपल हम लेंगे ना तो उसमें से कुछ निकलता नहीं। आपका नुकसान 50 लाख का नहीं होगा, 10 लाख का हो गया होगा, तो बोलो 10 लाख का हो गया है ना, और एक्चुअली हाँ, 10 लाख का हुआ है सर। हाँ तो आपको क्या, 10 लाख का हो गया तो आपको क्या हो गया, पूरा लग गया। यस तो सर आपने बोला ना कि कोई भी चीज पेनफुल नहीं होती, पेनफुल नहीं होती। हाँ 10 लाख का नुकसान हो गया तो आपको बहुत पेनफुल हुआ, बराबर है। नुकसान क्या हो गया कि 10 लाख का नुकसान आपको बिजनेस में हुआ, यस बराबर है, नुकसान 10 लाख का हो गया। यस हाँ, अभी मुकेश अंबानी का 10 लाख का नुकसान हो गया तो क्या होगा सर, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 लाख का नुकसान मुकेश अंबानी को हो गया तो कुछ नहीं होगा, आपको हो गया तो आपको फर्क पड़ रहा है। तो 10 लाख में कुछ भी नहीं है, आप उसका दिमाग में क्या चला रहे, 10 लाख का नुकसान हो गया तब क्या होगा जी कि अभी तो मेरा तो सब भूल गया, अब तो मेरा कठिन है, अब तो कैसा होगा, ऐसा वैसा जो चालू हो गया। मुकेश अंबानी को कुछ लगता नहीं, बोले ठीक है 10 लाख का नुकसान हो गया तो 1 घंटे में 10 लाख कमा लेता है वो, पता नहीं 1 घंटे क्या 1 मिनट में 10 लाख कमाता होगा। यस सर, तो 10 लाख में कुछ नहीं है, यदि ऐसा 10 लाख में होता था तो उसको भी दर्द होता था। तो, देखो तो एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं, कि समझो आप है, आप दो दो घर है, एक घर में एक बच्चे को मिले 35% मार्क और वो पास हो गया जी हाँ, और दूसरे घर में बाजू वाले के घर में उसके बच्चों को मिले 80% मार्क। ओके अब मार्क लिस्ट क्या बता रही है, नहीं फॉर एग्जांपल अभी बताता हूँ और अच्छा क्लियर करने के लिए, बाजू वाले को भी 35% मार्क मिले और ये इसमें भी 35% मार्क मिले। अब पहले घर में जिसको 35% मार्क मिले वो मार्केट बताती कि इसको 35% मार्क मिले, उसके मार्केट बताती उसको 35% मार्क मिले, दोनों को मार्केट में वही बता रहे हैं। पहले वाले के घर में बहुत जश्न मना रहे हैं क्योंकि पप्पू पास हो गए, यस, और दूसरे वाले के घर में मातम चालू है क्योंकि वो सिर्फ 35 मिला। तो मार्केट तो 35 ही बता रही है ना दोनों की, तो मार्केट में क्या है सुख दुख, तुक तुक तो दिमाग में है। वो पहले घर में तो बहुत जश्न मना रहे कि अरे पप्पू पास हो गया, पार्टी चालू हुआ धूमधड़ाके से, 35 मार्क मिले बोले, और उधर मातम मना रहे कोई जैसे डेथ हो गई घर में, सब हाथ रखे हुए बैठे हुए, दोनों के मार्क लिस्ट तो 35 बता रही। तो मार्क लिस्ट में कुछ नहीं रहता, चाबी कहाँ घूम गई, सुई कहाँ घूम गई, हाँ बाहर कुछ नहीं है। तो हम बाहर आनंद ढूंढते हैं, हम बाहर दुख देखते हैं, हमको लगता है कि बाहरी चीजों से दुख हो रहा है, हमको लगता है बाहरी चीजों से आनंद है, तो अपने घर में वापस आ जाओ। और आपका घर कहाँ है दिनेश? ये सर हमारा माइंड ब्रेन, यस, हम हमारा घर भूल गए, हमने हमारा घर भूला है, घर में वापस आ जाओ। तो सर ये सर आप इस सर आप इस एग्जांपल में क्या कहेंगे, जैसे सर जैसे जैसे सर ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे मदर और फादर की, तो क्या क्या हो गया एग्जैक्टली, हुआ क्या बताओ ना सर, जैसे जैसे क्या मतलब किया क्या, आप पागल, ऐसा किसने बोला तो क्या है, कोई पागल आदमी बोल रहा है कि तुम पागल है तो क्या इंसल्ट हो गई क्या,
अब मेरे को, मैं अभी साइकियाट्रिस्ट हूँ, मेरे यहाँ रोज मेरे को जो पेशेंट आते हैं तो कम से कम एक दो पेशेंट मेरे ऊपर चिल्लाते, गुस्सा करते, कोई मारने भी आते, तो मैं क्या गुस्सा करता हूँ, पागल है। Yes, कोई पेशेंट थूक देता मेरे आंख में, yes, तो मैं रुमाल निकालता हूँ थूक पूछ देता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ उसने मेरा इंसल्ट कर दिया, वो तो पागल है। तो उसमें क्या है, मेरे दिमाग में शांति है, मैं बोलता रहे तो अभी सामने वाला जो भी कुछ कर रहा है वो कौन से स्टेट में है, वो कहाँ, उसका वो घर में नहीं है उसके, हम तो हमारे घर में है, वो उसके घर में नहीं है, वो कौन सी सिचुएशन में है, उसके घर में कोई मर गया है, उसको 50 लाख का नुकसान हुआ है, वो क्यों चिल्ला रहा है, वो क्यों पागल हो गया है, वैसे मालूम नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, वो करने दो जिसको करना है वो करने दो, हमको क्या करना है, हमको देखना है, हमको हमारे घर में वापस लौटना है, क्योंकि शांति यहाँ है, आनंद यहाँ है, खुशी यहाँ है, हमारे घर में अंदर, बाहर कुछ भी नहीं है, दुख भी बाहर नहीं है, दुख अंदर है, खुशी अंदर है। इसका मतलब रोज लोग चिल्लाते हैं, रोज एक दो तो पेशेंट आते हैं मेरे पास में कि जो चिल्लाएंगे थूकेंगे, तो मैं क्या उनके ऊपर गर्म थोड़ी होता हूँ, मैं रुमाल निकालता हूँ पूछ लेता हूँ। यस सर, दैट मींस सर क्या बोलते हैं आपकी बातों से, सर क्या बोलते हैं ये, मतलब ये निकलता है कि हम क्या बोलते हैं दूसरे के दूसरे मतलब जो दूसरे लोग हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो क्या करेंगे हमको क्या मालूम, हमने हमारा शांति क्यों खोना है। उसने किसने मेरे को पागल बोला तो मैं पागल हो गया क्या, मेरे को मालूम है कि मैं पागल नहीं हूँ, फिर उसने कुछ भी बोला तो भी क्या फर्क पड़ रहा है तुमको, किसने बोला कि पागल बोला तुमको बुरा लगता है, और तुमको बोला कि तुम पंतप्रधान है तो तुमको लगता क्या पंतप्रधान है करके लगता फिर, अरे उसने बोल दिया मैं तो पंतप्रधान बन गया, हो गया पंतप्रधान, नहीं सर लगता तो होता तो नहीं, लेकिन अच्छा तो होता नहीं, अच्छा लगता है क्या, नहीं होते क्या पंतप्रधान, नहीं फिर पागल कैसे होंगे किसने पागल बोला था। इसका मतलब सर क्या बोलते, जो वो बंदा बोल रहा है उसके में कुछ नहीं है, अगर क्या बोलते अगर मैं हर्ट मतलब अगर मैं बुरा महसूस करता हूँ या, तो ये चीज मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ और कोई क्रिएट नहीं कर रहा, बाकी कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, सब अंदर है, चाबी अंदर घूमी है, आज का पूरा लिखो कि आपकी सुई कहाँ घूमी है वो अंदर घूमी हुई है, तो आपको आज का जो सेशन है समझ लो कि आपको हमारे घर पे वापस लौटना है, तो कम एट होम, घर में वापस आ जाओ, घर में वापस आ जाओ, घर वापस आएंगे तो शांति मिलेगी, तो बाहर मत घूमो, घर में आओ। ठीक है, ओके सर, यस विकी, थैंक यू, क्या हमारा टाइम हो गया, मगर हाथ काफी लोगों के ऊपर है, बोलो। हेलो, हेलो, हेलो सर, यस, जिसको निकलना है सर, जिनको जाना है छोड़ के, हेलो, जिनको जाना है छोड़ के वो जा सकते हैं, वैसा मेरा बोलना हो गया है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं 10:30 बजे, और कुछ लोगों के हाथ ऊपर है करके मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं, यस विकी सर, पास्ट के कुछ वीडियोस है, कुछ विजुअलाइज सामने आता है, और कुछ उसको विजुअलाइज जैसा है, कुछ ऑडियोज आते हैं, तो उसका कुछ फीलिंग बन जाता है सर। हाँ सर, अब हमें मालूम है सर कि इसका अपने लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ के कुछ मीनिंग उसको लग जा रहा है, कैसे का कैसे फीलिंग बन जा रही है, अब अपने को सब पता है सर कि ये सब गलत है, कि नहीं ये विचार आना नहीं चाहिए, हाँ, तो भी वो विजुअलाइजेशन चालू रहता है, वो ऑडियो चालू रहती है, वो बाद में अलग अलग फीलिंग्स आते हैं, हाँ, तो सर उसका वो स्ट्रेस आता है उसकी वजह से, अपन उसको फिर नहीं आ रहे कहाँ, ये कैसे क्या आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसको सर इलिमिनेट, इसको कम कैसे करना है सर। वही मैंने बोला कि उसको एक तो आप सेल्फ हिप्नोसिस सीखो, मेडिटेशन सीखो, मेडिटेशन या सेल्फ हिप्नोसिस सीखो, और उसमें अपने विचारों को डिस्प्यूट करना है, डिस्प्यूट डिबेट अपने विचारों क्लक करना है उसका, हाँ हाँ, डिबेट 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 करना है, वाद विवाद करना है कि क्या ये विचार सच है, वाद करना है क्या विचार लॉजिकल है, क्या ये रियलिटी है, है ना, क्या क्या लॉजिक है इसमें, कुछ लॉजिक है नहीं, लॉजिक तो नहीं है, अच्छा क्या रियलिटी है, रियलिटी तो नहीं है, क्या वास्तविकता है इसमें, कुछ है नहीं, वास्तविकता भी नहीं है, क्या ये सच है, नहीं सच तो नहीं है, तो मैं क्यों पकड़ के बैठा हूँ ये, ऐसा सवेरे शाम बैठो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो,
सम्मोहन करो, हिप्नोटिज्म करो, उसमें डिबेट करो। तो सर उसके एक समय ऐसा आएगा कि वो छोड़ देंगे विचार अपने को, जैसा आना बंद हो जाएंगे ना। ओके सर, उस पर डिस्प्यूट करना है, डिस्प्यूट एंड डिबेट। ओके यस। तो यह आज काफी लोग थे, करीब करीब 111 लोग थे, इधर जूम पे भी काफी लोग थे, 60 लोग जूम पे थे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शेयर करते हो, और शेयर करते हैं करके लोग आते हैं। आपके लाइफ के लोगों को आप शेयर करो, जब ये आपको लिंक मिलती है ना, जैसा वेनसडे को लिंक डालते हैं हम कि थर्सडे प्रोग्राम है, थर्सडे को लिंक डालते हैं कि आज प्रोग्राम है, तो अपने लाइफ के लोगों को शेयर करो। जैसा सुरुचि ने मुझे बोला कि मैं शेयर करने वाला हूँ वाली हूँ, तो उसने कल ही मेरे से लिंक मांग लिया था कि भाई मुझे लिंक दे दो, तो उसने लिंक लेके कल उनके सब ग्रुप में डाल दिया, तो काफी लोग आज नहीं दिखे। तो आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर करते हैं तो बहुत लोगों को ये मिलेगा। अगले बार, अगले गुरुवार को शायद हम देखेंगे कि भाई जो एंग्जाइटी है या पैनिक होता है कभी कभी, है ना, तो ये या डर है, पैनिक है, एंग्जाइटी है, या नर्वसनेस डिप्रेशन आता है, उसके लिए क्या करें वो देखेंगे हम अगले बार। देखते हैं, मैं आपको दूंगा टॉपिक बुधवार को अगले। मगर आप लोगों को शेयर करो, लोगों को लाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो पेरेंटिंग का है, शायद हम शनिवार को करेंगे। शनिवार को पेरेंटिंग, परवरिश बच्चों को कैसे करना। तो जितने भी पेरेंट्स लोग हैं, है ना, जिनको प्रॉब्लम रहता है कि बच्चों को कैसे बड़ा करना, क्या गलतियां होती है, तो जो पेरेंट्स हैं उनको बोलो, जिनको पेरेंट्स बनने की इच्छा है उनमें भी आना है, जिनको पेरेंट्स बनना है मतलब जिनको शादी होने की, वो भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि शादी हुई है बच्चे नहीं, तो नहीं आना है, तो वो भी आ सकते हैं। और हमारे यहाँ सचिन निंगोड है जो इसमें काफी असिस्टिंग में मदद करते हैं, दिलीप पाटिल है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने काफी मेहनत लिया। और काफी बैकग्राउंड में काम करना पड़ता है, जैसे यूट्यूब का इंटीग्रेशन करना है, यूट्यूब चालू करना है, फिर मैसेज भेजना है, लिंक तैयार करना है, जूम का ये करना, लिंक तैयार करना है। तो सुरेश बोले कि हमने 14 ग्रुप में सेंड किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका लोगों को फायदा होगा। और मेरा मकसद ऐसा है कि लोगों को बीमारी ना होगी, मतलब वो अच्छा है कि ना हो बीमारी नहीं होंगी, यदि मैं बोलता हूँ ऐसा, यदि लोग करते हैं और इस तरह का डिस्प्यूट करेंगे, डिबेट करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग करेंगे, मैजिकल थिंकिंग, बीमारी नहीं होंगी। बीमारी क्यों होंगी, लोगों को बीमारी, और बीमारी होती है तो उनको ये सिखाएंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएंगी बिना गोलियों, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम संडे को मैं सेक्स एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम देता हूँ, तो उसकी भी लिंक मैं डालूंगा, सेक्स एजुकेशन की व्हाट्सएप की लिंक मैंने डाली हुई है, एक बार डाल दो। जिनको भी सेक्स एजुकेशन का है, तो संडे को रात को 8 बजे मैं प्रोग्राम लूंगा। संडे को सेक्स एजुकेशन है, सेक्स के अलग अलग विषय में लेते रहता हूँ, और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, काफी लोगों के हाथ ऊपर है मगर समय बहुत हो चुका है। सो थैंक यू, अगले गुरुवार को बात करेंगे। और मैंने कुछ नंबर दिए हुए हैं, यदि आपको कुछ बात पर्सनली करना है तो नंबर पे कॉल करके मेरी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो, तो नंबर डाल दो। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।